नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दृष्टि क्रिएशन में। आज मैं आपको डिजाइनर स्लीव्स बताने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने नॉर्मल स्लीव्स कट कर ली है और इनको चारों तरफ से अटैच कर लेंगे। सबसे पहले हम फ्रंट की तरफ सिल के इसको पलट लेंगे। दोनों स्लीव्स को हम इसी तरह से सिल लेंगे। दोस्तों, अगर जो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें और ऑल पे क्लिक कर दें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। देखिए, मैंने यहाँ पे सीधी सिलाई लगा ली है और इसको पलट के हम इसके चारों तरफ सिलाई लगा लेंगे। तो चलिए अब इसके आसपास भी सिलाई लगा लेते हैं, फिर मैं आपको इसमें डिज़ाइन बताती हूँ। तो यहाँ पर हम इसमें चारों तरफ इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पे लगभग ये दोनों स्लीव्स हमारी इस तरह से तैयार हो गई हैं। अब इनमें हम डिज़ाइन बनाएंगे। यहाँ सबसे पहले हम सेंटर में चौक से निशान लगा लेंगे और इसको हम इसके ऊपर ट्रेस कर लेंगे। दोनों स्लीव्स में निशान लग गए हैं। अब हम इसमें यहाँ चुन्नट डालेंगे। बीच में जो निशान लगाया है ना, उसी के ऊपर हमें चुन्नट लगा देनी है। तो दोनों स्लीव्स में चुन्नट लगा ली है हमने। अब हम यहाँ पे जो छांट लगाते हैं उस छांट का निशान लगाएंगे, क्योंकि हमारी स्लीव्स तैयार हो चुकी हैं। तो इसमें हम निशान लगा के उसके ऊपर सिलाई कर लेंगे और उसके बाद भी हम इसे कट लगाएंगे। और यही ये जो हमारा बचा हुआ टुकड़ा निकला है कटिंग का, इसी को हम दूसरी स्लीव्स के ऊपर रख के निशान लगा लेंगे और इसी के अकॉर्डिंग कट कर लेंगे। ये उल्टी स्लीव्स में हमें सीधा रखना है। यहाँ पे देखिए, ये स्लीव्स हमारी बन के तैयार हो चुकी है। अब हम इन्हें ब्लाउज में अटैच करते हैं। तो यहाँ पे ये ब्लाउज में दोनों पार्ट अटैच कर लिए हैं। और ये दोनों पार्ट का वीडियो मैंने पहले अपने चैनल पे अपलोड किया हुआ है, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। आप लोग ने अगर नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके देख लीजिए वहाँ से। और तो इसको मैंने सेंटर में पिन से अटैच कर लिया है। इसके ऊपर अब हम सिलाई लगाएंगे। यहाँ पे एक स्लिप में सिलाई रख के तैयार हो गई है। इसी तरह से हम दोनों स्लिप में सिलाई लगा देंगे और उसके बाद हम इसकी फिटिंग करेंगे। तो जो भी हमारा स्लीव्स का नाप होगा वो हम लगा लेंगे। यहाँ पे मैंने 5.5 इंच का निशान लगाया हुआ है और इसी के अकॉर्डिंग हम अपना जो भी आर्म होल है वहाँ पे आर्म होल का निशान लगाएंगे और कमर के अकॉर्डिंग लगा देंगे। फिर स्केल से सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे, उसके बाद हम इसके ऊपर सिलाई लगा देंगे। तो हमारा ब्लाउज बन के कम्प्लीट हो जाएगा। तो ये डिज़ाइन आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और साथ ही साथ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए, मैंने स्केल से लाइन ड्रॉ कर ली है, इसके ऊपर हम सिलाई चला देंगे। फिर मैं आपको इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ। तो ये देखिए, हमारा ब्लाउज